माय सी पी सी टी एग्जाम। दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ आपकी जो प्रीवियस जो पेपर हुआ था उस पेपर में जो है आपका टाइपिंग किस प्रकार से जो है आया हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ तो इन वीडियो को भी जो है आप देख लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि अगर आपने अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो चल रहा होगा आपका, इस प्रकार का जो है सब्सक्राइब आएगा और साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा बेल आइकन आएगा उसको भी जो है प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिएगा हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमारा कंप्यूटर प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट टेस्ट यानी कि आपका सी पी सी टी। तो यहाँ पे मैं आपको आज बताने वाला हूँ 17 फरवरी शिफ्ट वन की जो आपके इंग्लिश की टाइपिंग थी वो किस प्रकार आई थी वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। साथ ही मैं पेपर जो है पहले ही अपलोड कर चुका हूँ शिफ्ट वन का, अगर वो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और उसे आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिएगा हम आ चुके हैं अब यहाँ पे आपकी जो है टाइपिंग्स की। पहले आपका टाइपिंग होता है मॉक, तो मॉक टाइपिंग में जो है आपको यहाँ पे क्या क्या जो है देखने को मिलता है वो आपको देखना है। यहाँ पे देखिएगा मॉक है और साथ ही ये जो है आपका टाइम दिया है इन्होंने 5 मिनट्स टाइप करने के लिए आपको दिया है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट यानी कि मॉक का जो है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है आपका। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप ये जो है आपके लिए लाइन दी हुई है लिखने के लिए। यहाँ पे आप इसे देख रहे होंगे जैसे समर कैंपस, तो ये जो है आपको 3 लाइन कम से कम दिखाई दे रही है। इन 3 लाइनों को जो है आपको मॉक में यहाँ पे टाइप करना होता है। तो यहाँ पे आपको अब मिलता है एक्चुअल, तो एक्चुअल किस प्रकार थी और किस प्रकार आया था। अगर आप अब की बार सी पी सी टी दे रहे हैं तो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। और साथ ही मैं बात कर लूँ आपकी तो ये जो टाइपिंग आपको देखने के बाद काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाली है। और इससे क्या होगा कि अब जो सी बी सी टी का पेपर आप देंगे टाइपिंग उसमें किस प्रकार आ रही है उसका हमको जो है यहाँ पर आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये है हमारा, तो इसमें क्या है जैसे कि आपका लिखा है द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ये जो पूरा टॉपिक्स है वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो है यहाँ पे आया हुआ है। तो कुछ बड़े बड़े वर्ड्स जैसे कि अनडोबेटली, तो ये है आपका टाइप करने को मिलता है। यहाँ पे देखिएगा डिफरेंशिएशन ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इससे कुछ प्रकार जो है यहाँ पे बड़े बड़े वर्ड भी आपको टाइप करने को मिलते हैं। आपको करना क्या है कि जैसे कि कुछ बड़ा वर्ड है आपका तो आपको टाइप करना है, तो उसे थोड़ा ध्यान में रख के करना है कहीं गलत ना हो जाए। वो क्या है गलत हो जाएगा तो पूरी स्पीड जो है आपकी खराब हो जाएगी। हमको स्पीड लेना होता है यहाँ पे 30 30, इंग्लिश में आपकी कंपलसरी है और 30 आपको लाना ही होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको जैसे कि ये वर्ड है तो ये जो है आपका लगभग लगभग 500 वर्ड्स की समथिंग होता है, तो 480 कुछ ऐसा होता है वैसे तो, पर आपको जो है टाइपिंग 15 मिनट में कंप्लीट करना होता है। और ये टाइपिंग्स आपकी जो है एक्यूरेंसी पे डिपेंड ज़्यादा करती है। आप अपना एक्यूरेंसी यानी कि आप अपनी गलतियाँ ना करें तो ही आपको बेहतर होगा और आप जो है अपना सी पी सी टी पार कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा कुछ बड़े बड़े वर्ड्स मिलते हैं, वर्ड ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड नहीं हैं जैसे कि बी मस्ट एक्ट अस अ रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन ऑफ द ना मॉडर्न अर्थ आर कंजर वाटर। तो कुछ छोटे छोटे वर्ड भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलते हैं जैसे कि ये पूरा देख लीजिएगा आप, है ना। तो काफ़ी मतलब छोटे छोटे वर्ड भी आपको आसानी है जो आप टाइप कर सकते हैं और आपको कोई समस्या भी जो है नहीं आएगी। तो आपको ध्यान यही रखना है कि आपने एक्यूरेंसी को जो है बनाए रखना है। तो ये था आपका आज का,
और अगले वीडियो में लेंगे हम लोग शिफ्ट टू के साथ हिंदी का टाइपिंग किस प्रकार है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ पे इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा मैं इसे जो है कर देता हूँ, यहाँ देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मोबाइल में अच्छे तरीके से, इसे आपको देखने में जो है काफी प्रॉब्लम ना हो। और टाइपिंग देने जाएं तो आप इसे अवश्य जरूर देख के जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लेना प्रेस, इसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।